हे गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बॉक्स। कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हर बार की तरह इस बार भी एक नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ आपका दोस्त रोहित। एंड इसका जो पहला वाला ब्लॉग था तो उसमें आप लोगों ने इतने अच्छे प्यार दिए एंड थैंक यू सो मच। इसी तरीके से प्यार देते रहिए, इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग अच्छे अच्छे लोकेशन पर जाके अच्छे अच्छे वीडियो ला के आपके सामने पेश कर सकूँ। चलिए, तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं इस्कॉन टेम्पल, जो मेरे यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी होंगे। एंड चलिए, मैं फटाक से रेडी हो जाता हूँ एंड चलते हैं डायरेक्टली, आपसे जाके मिलता हूँ इस्कॉन टेम्पल पे, मंदिर पे मिलते हैं। चलिए चलिए चलिए। हे गाइस, हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं एकदम गेट के अंदर, और आपको दिखा दूँ ये पीछे मंदिर। हम लोग उसी रास्ते से जाने वाले मंदिर के ऊपर एंड मंदिर के अंदर, तो चलिए चलते हैं। एंड आपको बता दूँ, जैसे हमने अंदर आए तो सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह हुआ। ये क्या है? हाँ, इस्कॉन गिफ्ट्स। अच्छा, आप अगर आपके पेरेंट्स या आपके कोई बड़ों को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से परचेस करके आप बहुत अच्छे गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आगे हैं फ्री लाइब्रेरी। आप अगर बुक्स पढ़ने की अगर शौकीन हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि आप यहाँ पे फ्री में बुक्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एंड ये बगीचे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फूल हुए हैं यहाँ पे। वाव, नाइस एकदम। तो हमने जैसे ही एंट्री किया ना, तो हमने एंट्री करने के बाद हमारे मतलब हमें सिक्योरिटी चेकिंग हुए एंड सिक्योरिटी चेक होने के बाद फिर अंदर आने के परमिशन जो मिलता है एंड फिर उसके उससे हम लोग अंदर आए। तो चलिए, ये बगीचे आपको दिखा रहा था। चलिए तो अभी चलते हैं। एंड सामने आप देख पा रहे हैं जूता घर लिखा हुआ है, सो स्टैंड। एंड वहाँ से यहाँ से एक बैग उठा लेते हैं और अपने जूते पैक कर देते हैं, और पैक करने के बाद दे देते हैं। एंड देने के बाद फाइनली हम लोग जूते दे दिए। एंड यहाँ पे नल है, जैसे कि हम लोग बाहर से आते हैं हाथ पैर वगैरह धो के मंदिर पे जाना होता है। तो आपको बता दूँ, मंदिर पे जाने के लिए 2 मुख्य द्वार है, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। तो आई होप हम लोग लेफ्ट साइड से जाएंगे। एंड अभी फाइनली, वाओ एक्साइटिंग, अभी फाइनली मंदिर के अंदर आ चुके हैं हम। आप देख सकते हैं, ये सिर्फ बाहर से खूबसूरत नहीं है, अंदर से ब्यूटीफुल है, एकदम ऑसम है एकदम। मैं शायद मैं इतना अच्छे से शूट कर पाया या नहीं मुझे पता नहीं है, आप जब आएँगे रियलाइज़ करेंगे। एंड ये मूर्ति जो है आप तो जानते ही हैं, श्रीला प्रभुपाद जी की है। और चलिए सामने की तरफ आ गए, जगन्नाथ जी एंड बलराम जी, सुभद्रा जी एंड भगवान हमारे श्री कृष्ण जी और राधे श्याम, दोनों बहुत खूबसूरत लग रहा है एकदम। और ये है नित्यानंद महाराज और श्री चैतन्य देव। ओके, आपको शायद नाम शो नहीं कर रहा है, नीचे नाम दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये जगह पे शाम के टाइम कीर्तन होते हैं एंड अभी नहीं हो रहा है बिकॉज चलिए हम लोग अभी बाहर की तरफ जा रहे हैं। एंड हमने रिसेंटली आए थे तो तब बात किए थे हमने, यहाँ पे नज़दीक जो होते हैं, नज़दीक जो फ्लैट वगैरह हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं जो इस्कॉन टेम्पल के पास ही एकदम है। इसके पहले हमारे फ्रेंड के साथ आए थे, और
पर यहाँ पे फ्लैट ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत मतलब नॉर्मली इजी अमाउंट पे है। तो चलिए मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा फ्लैट के बारे में, तो नहीं तो यूट्यूब वाले बोलेंगे फ्लैट के प्रमोशन कर रहा है। एंड नो, मैंने आपको अंदर का दिखा दिया एंड अभी आपको दिखाता हूँ। चलिए अभी पहले चलते हैं, इसके पहले भी हमने यहाँ पे आए थे, तो आने के बाद ना यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल लोकेशन है, इतने अच्छे लगते हैं, ब्यूटीफुल मतलब मैं क्या बताऊँ, आई लाइक आप देख सकते हैं वैसे इतना सुंदर जगह है ये, एंड मन पूरा हरा भरा रहता है एकदम, ब्यूटीफुल लोकेशन एकदम। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं एंड आपने देखे हैं, मैंने मंदिर दर्शन के साथ साथ कोविड के जो बोर्ड है वो भी मैंने आपको दिखाया। मैंने जैसे एंट्री किया था वो पीछे साइड से ना आप देख पा रहे हैं, वैसे मैंने पहले जैसे ही एंट्री किया था वहाँ पे कोविड के बोर्ड लगा हुआ था। एंड आप मंदिर दर्शन के साथ साथ आपको ये भी ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंट मेंटेन्स रखना है, एंड मास्क जो है डोंट रिमूव योर मास्क, एंड आपको मास्क नहीं हटाना है अपने फेस से, एंड साथ में मंदिर दर्शन भी कीजिए, उसके साथ साथ ये जो नियम है वो भी मान के हमें चलना चाहिए। चलिए अभी चलते हैं हम नीचे की तरफ, एंड अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। वैसे नीचे की तरफ आपको दिखा दूँ, बहुत खूबसूरत लगता है ये मंदिर को, आप किसी भी एंगल से देख लो आपको खूबसूरत ही लगेगा। जैसे हमने पहले आने का टाइम उसी ब्रिज से आए थे एंड ऊपर तक गए, फिर उसके बाद हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं। वैसे यहाँ पे और एक चीज़ें हैं, आप अगर मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे यहाँ पे कुछ गिफ्ट वगैरह अगर आप ख़रीदना चाहते हो या किसी को आपके गुरुजन जो हैं बड़ों को कुछ अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलता है। एंड यहाँ पे आपको बता दूँ, आप यहाँ पे गीता भवन भी है जो बहुत एकदम प्यारा है, यहाँ पे बुक स्टॉल भी है अंदर, किताब वगैरह आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। एंड चलिए हम लोग धीरे धीरे जाते हैं, ये मैंने कहा था मंदिर को आप हर एक एंगल से देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, मैंने उस टाइम उसी एंगल से आपको दिखाया था, अभी इस एंगल से आपको दिखा रहा हूँ। ओहो हो, हमने लेट कर दी एकदम, आरती ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं एंड आप जैसे कि देख पा रहे हैं वैसे अभी कीर्तन चालू है, तो अभी हम भी थोड़ा पार्टिसिपेट कर लेते हैं कीर्तन में और आरती के इंतज़ार कर रहे थे, जो आरती के टाइम हम लोग आएंगे लेकिन उस टाइम नहीं हो पाए क्योंकि नीचे हम उसी टाइम घूम रहे थे और टाइम का पता भी नहीं चला। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर की तरफ, एंड ऑलरेडी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे भी नीचे भी कीर्तन के दल एकदम हरे रामा हरे कृष्णा चालू है, बहुत खूबसूरत लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। मैं आपको ये ऊपर से दिखा रहा हूँ, हम लोग जाएंगे कुछ ही टाइम पे नीचे, लेकिन आपको जो ऊपर से जो लुक होता है, जो देखने का नज़ारे होता है, तो वो नज़ारा या नज़ारे कुछ भी कह सकते हैं, तो वो ब्यूटीफुल लगता है। ये देखिए मंदिर के ऊपर से इतना सुंदर लगता है एंड
अब मैं बार बार इसी वीडियो में आपको बोलते जा रहा हूँ, ये जगह पे जब भी मतलब आप पुणे में जब भी आएंगे तो ये जगह जगह को प्लीज़ 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 मिस मत कीजिए, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल मंदिर है इस्कॉन टेम्पल, जिसके नाम पे ब्यूटीफुल मतलब आप जितना प्यारा नाम है उतना ही सुंदर। चलिए मैंने मार्क्स रिमूव कर दिया एंड यहीं से नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ। अभी भी बहुत कुछ बाकी है और अभी नीचे जाएंगे, प्रसाद है जो यहाँ पे जाने के बाद ही हमें मिलेगा और प्रसाद, चलिए मैं वहाँ पे भी लेके चलता हूँ आपको। आपको पीछे की तरफ दिखा रहा हूँ, ये देखिए ब्यूटीफुल लोकेशन है एंड कहीं से भी देखिए आपको बहुत ही सुंदर लगेगा एकदम। तो चलिए ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ, चलिए चलते हैं नीचे और जाके प्रसाद लेते हैं और मतलब क्या बोलूँ, चलिए नीचे चलते हैं। हम लोग ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं और हमें जाना है एग्ज़िट पे। अभी सामने आप बोर्ड देख पा रहे हैं, एग्ज़िट बाहर हम लोग चले जाएंगे। अभी मंदिर दर्शन हो गए एंड आ गए फाइनली हम लोग यहाँ पे। जैसे ही आप एग्ज़िट करते हैं तो लास्ट में आपको प्रसाद मिलते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे मंदिर दर्शन के लिए मैंने मतलब मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे जो प्रसाद होते हैं वो चार्जेबल होता है बहुत सारी जगहों में, लेकिन यहाँ पे प्रसाद चार्जेबल नहीं है, फ्री है, बिकॉज आप चाहे जितने बार भी ले सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी प्रसाद ले लिया। तो चलिए, तो ये था आज का ब्लॉग एंड आई होप मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किए एंड कोशिश करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक कमेंट जो भी करना है कर दीजिए एंड अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं हर कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्दी से देता हूँ एंड थैंक यू, मैं कोशिश करूँगा। और चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।